ये मैं हूँ, ये मेरा मैक है और यहाँ एसेसरीज की पार्टी हो रही है। तो कुछ 6-7 एसेसरीज ऐसी हैं जो मैंने अपने मैकबुक के लिए ली हैं। अगर आपने एक मैकबुक लिया हुआ है या फिर लेने का सोच रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ऐसी मस्ट हैव एसेसरीज हैं जो अगर आप हाथी पाल रहे हो तो खर्चा करना ही पड़ेगा। तो जो लोग आप में से चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये वाला प्रो मॉडल है और बेस वेरियंट है। अब बेस वेरियंट है तो इसका मतलब 512 GB की स्टोरेज है, जिससे पहली एसेसरी निकल के आती है जो कि एक NVMe ड्राइव। जो ड्राइव मैं यूज कर रहा हूँ वो है WD की ब्लू, जो कि 1 TB की मैंने ली है और मॉडल नंबर है SN570। तो ये इतनी छोटी सी ड्राइव होती है NVMe M.2 वाले स्लॉट की और ये एक उंगली के बराबर एक्सटर्नल स्टोरेज। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टोरेज के लिए चाहिए तो आप इस तरीके की एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी ले सकते हो, बहुत ज्यादा प्राइस का डिफरेंस आता है। प्राइस की बात करूं तो ये क्लोज टू मुझे 8300 रुपीज की पड़ी है कि ये आएगी 1 TB और इतने ही रुपए में ये आ जाएगी 5 TB, 5 गुने रेट का फर्क है। और साथ में इसके साथ में एक एडिशनल खर्चा और है, क्योंकि अब ये नॉर्मल ड्राइव है तो ये लगाएंगे कहां पे? इसको लगाने के लिए एक सेपरेट एसेसरी मैंने ली है जो कि है ये ASUS की एनक्लोजर। इसको भी दिखा देता हूं, लेकिन फर्क पहले बता दूं इसकी स्पीड्स का कि इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड रहती है वो रहती है 100 से 200 MB/s और इसके अंदर रहेगी 3500 MB/s, अप टू 3500 होती है, मतलब 3000 के आसपास मिल जानी चाहिए। दूसरी एसेसरी जो कि एक सपोर्टिंग एसेसरी हम इसको कह सकते हैं, ASUS की ROG Strix एनक्लोजर है, इसको भी खोल के दिखा देता हूं। ये इसका एक बंपर गार्ड है, एक इसका ये होल्डर है अगर लटकाना चाहें कहीं पे। अगर आपके पास एक नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कनेक्ट करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो, और अगर आप टाइप सी टू टाइप सी कनेक्ट करना चाहते हो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे तो ये वाली केबल यूज़ कर लो। अब लेकिन ये प्रोडक्ट देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो लुक एंड फील काफ़ी स्टर्डी है, सॉलिड है, इसीलिए ही मैंने ये लिया। काफ़ी सारे ब्रांड्स के आते हैं ये दूसरे, लेकिन उनके रिव्यूज़ ना मिक्सड होते हैं। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को अनलॉक करेंगे। बेसिक सा सेटअप है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अपनी इस वाली SSD को इसके अंदर लगा देंगे और उसके बाद इस स्क्रू से दोबारा से इसको लगा देंगे। तो इस तरीके से इंस्टॉल हो गई है और इसके बाद कुछ भी नहीं, हमको कुछ भी नहीं करना है। ये थर्मल पैड्स अपने आप अपना काम करेंगे। सिंपली इसको यहाँ से लगा के बंद कर दो। जितनी स्पीड हमको इस वाले सिनेरियो में मिल रही है ये मोर देन इनफ है। हमारा काम अगर आप 4K की एडिट भी करना चाहते हो डायरेक्टली अपने इस ASUS की ड्राइव से तो आप मोस्ट एफिशिएंटली कर सकते हो। तो डायरेक्टली ऑन द गो आप इस पे गेम्स भी खेल सकते हो और वीडियो एडिटिंग जैसे हैवी टास्क भी कर सकते हो। अगली एसेसरी की तरफ चलते हैं, तो वो है एक टाइप सी का USB हब जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टाइप सी पोर्ट मैंने टस्कर का प्रेफर करा है क्योंकि ये ब्रांड मुझे काफ़ी सही लगता है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया निकलती है और जो इसका लुक है वो ऐसा सा है। कुछ साइड में हमको 3 पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ऊपर एक, और जो कनेक्शन है वो टाइप सी से हो जाता है। मेरे हिसाब से इस तरीके का एक टाइप सी पोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक मैकबुक यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैकबुक में सारे टाइप सी के पोर्ट और बाकी के काफ़ी सारे पेरिफेरल्स जो हैं वो आज भी टाइप ए पे चल रहे हैं। तो ऐसे में एक भी टाइप ए का पोर्ट मैकबुक पे ना होने की वजह से हमको इस तरीके का एक USB हब लेना बनता है। तो इस वाले की अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो चारों पोर्ट्स हैं आप चारों एक साथ यूज़ कर सकते हो। साथ में एक और अच्छी चीज़ कि इस तरीके की अगर कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप कनेक्ट करना चाहते हो तो 12 TB तक की इसमें सपोर्ट कर जाएगा। मैंने 5 TB वाली चेक कर ली है। प्राइस की बात करूं तो क्लोज टू 730 रुपए के आसपास मुझे ये पड़ा है। नेक्स्ट आइटम है थोड़ी सी सजावटी आइटम। तो ये बेसिकली ये कीबोर्ड केस है जो कि कुछ 300 रुपए के आसपास पड़ा है और ये काफी डिजाइनर सा, अच्छा सा, कलरफुल सा लग रहा था, इसलिए मैंने ये मंगा लिया। अब इसको लगाना तो बिल्कुल आसान ही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये सिलिकॉन की शीट है। इसको अपने मैक के ऊपर इस तरीके से, अपने कीबोर्ड के ऊपर इस तरीके से रख दो और थोड़ी सी कीज इसकी एडजस्ट कर दो। यहाँ टच आईडी के लिए एक स्पेशल कट लगा हुआ है, मतलब टच आईडी कवर होके नहीं आई है क्योंकि अगर सिलिकॉन लग जाएगा तो टच काम कैसे करेगा। कैप्स लॉक की लाइट के लिए एक स्पेशल होल दिया हुआ है और बाकी जो फिटिंग है वो काफ़ी सही है, मतलब ऐसे इजीली निकल नहीं रही है, आपको प्रॉपरली पील ही करना पड़ेगा तब जाके निकलेगी। अब ये विजुअली अट्रैक्टिव होने के साथ साथ एक पर्पज़ और भी सॉल्व करता है। कई बार हम खाना वाना जैसे खा रहे होते हैं, तुरंत काम करना होता है अगर लैपटॉप के ऊपर, तो हमारे हाथ थोड़े से चिकने रह जाएं या फिर कोई डस्ट अंदर घुस जाए, इस तरीके का थोड़ा सा बचा सकता है, साथ में अच्छा तो लग ही रहा है। 350 रुपये के आसपास मुझे मिला और इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स और भी आते हैं, सिंगल सिंगल कलर के ग्रेडियंट, अगर आप वो चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो।
नेक्स्ट एसेसरी की तरफ चलें तो मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सारे लोग एप्पल केयर प्लस लेते नहीं हैं, मैंने भी नहीं लिया था। तो मैंने क्या नोटिस किया कि दिन रात अगर मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ तो स्क्रीन के ऊपर थोड़े से ना डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे से हो जा रहे हैं, बार बार मुझे लिंट फ्री क्लॉथ से बार बार उसको पहुँचना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्क्रीन गार्ड ले लिया जाए। अब ये चीज़ मैंने तो ऑनलाइन मंगाई है, थोड़ी महंगी पड़ी है, 399 का दिया है, जबकि ऐसा इसमें कुछ है नहीं खास। अगर हाई क्वालिटी होती तो एक बात अलग थी, लेकिन आप अगर लोकल मार्केट से ले लोगे ये तो आपको डेफिनेटली सस्ता मिल सकता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये तो स्क्रीन आपकी रिफ्लेक्टिव ही रहेगी, अगर इसमें आपको मैट वाला फिनिश मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, वो आप ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो। दूसरी चीज़ बाहर से लगवा लेना, थोड़े बहुत बबल्स रह रहे हैं, अब इसमें और टाइम ख़राब करना पड़ेगा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। बाहर से लगवाओगे तो सस्ता भी पड़ेगा और बबल्स भी वो सॉर्ट आउट करके देगा, क्योंकि इस वाले पैकेज में ना अगर जो आप ऑनलाइन स्क्रीन गार्ड मंगाते हो उसके साथ पूरी कोई किट नहीं भेज रहे हैं ये लोग, सिर्फ स्क्रीन गार्ड भेज दे रहे हैं, उतारो लगा लो खुद ही कर लो सब कुछ। तो ये एक सीन है। तो इसके बाद नेक्स्ट एसेसरी है एक टाइप सी टू टाइप सी केबल। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये किस चीज के काम आएगी। आपको ये पता होगा कि जो मैकबुक प्रो नए वाले आए हैं चार्जर आ रहा है वो आ रहा है मैगसेफ चार्जिंग, दूसरी तरफ है मैगसेफ का पोर्ट। लेकिन इन चार्जर्स की खास बात क्या है या फिर लैपटॉप्स में फंक्शन कह लो कि हम इसको टाइप सी टू टाइप सी भी चार्ज कर सकते हैं। तो ये 199 ही केबल आई तो मैंने इसीलिए मंगाया था कि बाई चांस कभी मैं कहीं पे मैगसेफ चार्जिंग काम करना बंद कर जाती है या घर पे रह जाती है या एक स्पेयर चार्जर से मैं अपने मैकबुक को चार्ज कर लूँगा अगर मेरे पास एक टाइप सी केबल रहेगी तो। अब टाइप में कितना डिफरेंस आ रहा है अगर मैं एक टाइप सी पोर्ट से चार्ज कर रहा हूँ या फिर एक मैगसेफ से चार्ज कर रहा हूँ, ये अभी मुझे चेक करना है। तो बहुत जल्दी एक नेक्स्ट अपडेट वीडियो में मैं ये डिटेल्स भी आपको दे दूंगा कि कितना एक्चुअल में ज़्यादा फास्ट चार्ज कर रहा है ये टाइप सी या फिर स्लो चार्ज कर रहा है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इतने सारे मैकबुक के एसेसरीज और मैकबुक को संभाल के रखना है तो ये भी तो चाहिए। तो ये है आर्कटिक फॉक्स का लैपटॉप कैरी बैग जो कि डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, 1500 रुपये के आसपास का मुझे ये पड़ा और ये ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है तो मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता था। स्पेस देखो अंदर तो बहुत स्पेस है, लैपटॉप की पैडिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, सेफ रहेगा इसके अंदर लैपटॉप। तो अंदर छोटे बड़े नेट वाले चेन वाले हर तरीके के कंपार्टमेंट हैं, सारी स्टोरेज आपकी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। और पीछे की तरफ अगर आप स्ट्रैप्स के पीछे देखो तो एक चेन है जिसको खोलने पे सबसे पहले निकलती है एक मेडिकेट जो शायद पबजी के काम में आए, और एक ही रेन कवर इसके अंदर निकला। अगर बारिश वारिश हो रही हो तो आप इससे अपना पूरा का पूरा बैग कवर कर सकते हो। बैग के ऊपर ही एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है, अब तो काफ़ी कॉमन फीचर हो गया है, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए बता दूँ यहाँ पे इंटरनली एक सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है। अगर आप अपना पावर बैंक यहाँ पे प्लग कर दो तो यहाँ पे प्लग करके आप सीधा अपना फ़ोन वगैरह डायरेक्टली बैग में से ही चार्ज कर सकते हो, अलग से पावर बैंक कैरी करने की नीड नहीं है। एक स्ट्रैप पे लेटर बिन का साइन बना हुआ है, मतलब अगर आप ये टांग के चल रहे हो छोटी मोटी अगर हाथ में कोई गंदगी हो तो इसके अंदर डाल दो रैदर देन आप बाहर रोडों पर डालो। तो यार ये थी पूरी की पूरी मैक की एसेसरीज लिस्ट, आपको कैसी लगी नीचे मुझे कमेंट करके बताना। साथ में जितने भी एसेसरीज मैंने कवर करी सबके बाय लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एफिलिएट वाले लिंक्स होंगे, अगर आप परचेज करोगे प्राइस आपके लिए एग्जैक्टली सेम रहेगा लेकिन इस चैनल को थोड़ी सी कमीशन मिलेगी जिससे ये आगे अपना चलता रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था, अपना सजेशन ओपिनियन जो भी हो नीचे बताना और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे सकास्टिक, सी या।